सोमवार शाम को शहर में सिविल रोड के किनारे एक फर्नीचर शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। मेहता फर्नीचर के शोरूम में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। देर शाम लगी आग में आसपास के दुकानदारों ने बताया कि कुछ समय पहले जो है फ्यूज उड़ा था। सिविल रोड स्टेट बैंक के पास ट्रांसफार्मर में कुछ धमाका हुआ था, जिसके बाद से आसपास के क्षेत्र में जो लाइट है वो बहुत तेज आई, जिसके बाद कई दुकानों में नुकसान हुआ। लेकिन मेहता फर्नीचर में जो है जो तीसरी मंजिल पर उनका सामान रखा है एक कमरे में, वहाँ पर कुछ चिंगारी शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके बाद से आग वहाँ पर धधकी। तो मौके पर दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मौके पर भाजपा नेता इंद्रजीत विरमानी भी पहुंचे और पीड़ित शोरूम मालिक नीरज को ढांढस बंधाया। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ होगा आसपास में? कई जगह हुआ नुकसान तो हमारा, तो एसी खत्म हो गया और लाइटें लूटे खत्म हुई हैं, और यहाँ फर्नीचर वाली में आग लग गई शॉर्ट सर्किट से ही। मैंने बुलाया भी फ़ोन करके, बार बार कहते हैं कि कंप्लेंट वहाँ लिखवा के आओ। मगर ये फ़ोन किस लिए दे रखे हैं तुम्हारे को? कंप्लेंट वहाँ लिखवा के आओ, जब जाके करेंगे। तो ये विभाग ने जब ये हुआ उसके बाद भी इस पर नज़र नहीं डाली? नहीं, मतलब वो कहते हैं वहाँ कंप्लेंट लिखवा के आओ। अच्छा, रजिस्टर में लिखवाओ, फोन ना करें जब मतलब आपका सुनवाई करेंगे। मैं कभी फोन किस लिए है? कोई किसी को तकलीफ हो, कोई औरत है, किसी को बीमारी है, तो ये किस लिए फोन आपको? यही बात हुई मेरी उनसे। इसके बाद जो 93 का नंबर, जो जिसके बाद 73 नंबर है कंप्लेंट का नंबर, फायर ब्रिगेड वाले? नहीं, कौन है?
रुपये सौ कटते थे एक बढ़िया के। हाँ सोमवार शाम को शहर में सिविल रोड के किनारे एक फर्नीचर शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग लगने से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। मेहता फर्नीचर के शोरूम में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। देर शाम लगी आग में आसपास के दुकानदारों ने बताया कि कुछ समय पहले जो है फ्यूज उड़ा था। सिविल रोड स्टेट बैंक के पास ट्रांसफार्मर में कुछ धमाका हुआ था, जिसके बाद से आसपास के क्षेत्र में जो लाइट है वो बहुत तेज आई, जिसके बाद कई दुकानों में नुकसान हुआ। लेकिन मेहता फर्नीचर में जो है, जो तीसरी मंजिल पर उनका सामान रखा है एक कमरे में, वहाँ पर कुछ चिंगारी शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके बाद से आग वहाँ पर धधकी। तो मौके पर दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। मौके पर भाजपा नेता इंद्रजीत विरमानी भी पहुंचे और पीड़ित शोरूम मालिक नीरज को ढांढस बंधाया।